आज हम बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 9 to 16 डिस्कस कर रहे हैं डाउट्स। दिस क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC. सबसे पहले एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं, फिर लेट्स सी कि व्हाट आउट ऑफ दिस मेक्स सेंस। यहां डायग्राम बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी CD and GH are bisector of angle ACB. Angle ACB का bisector, bisector बनाते हैं इसका। So ये होगा इस angle. Angle bisector मतलब समझते हैं सब? Equal angles में divide करता है वो. Basically ये दोनों angles equal है and ये दोनों angles equal है. Okay. CD and GH, D and H lie on AB and F. So this is C, D, and then GH. So this is the bisector of. अच्छा दूसरी ट्रायंगल का है, सॉरी एबीसी ट्रायंगल का बाइसेक्टर। देन वी हैव अनदर ट्रायंगल एंगल ईएफजी, ईएफजी जिसमें अब हमें बाइसेक्टर दे रखा है एंगल जी का। सो दिस लाइन का मीट कर रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है एंड इससे इस पॉइंट को उन्होंने बोला है एच। ओके, मैं सारी गिवन जो चीजें है वो ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट, so that triangle ABC, if triangle ABC, so given is triangle ABC is similar to triangle FEG, first part, ECD upon GH is equals to AC upon, to prove the parts hai maare paas, pehla part, CD upon GH is equals to AC upon FG. CD upon GH is equals to AC upon हमारे पास है CD, AC है ना, AC upon FG। ठीक है चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, जरूरी थोड़ी कौन सी साइड से हमने सिमिलर लिखा हूँ, तो डायग्राम बनाया है। हाँ बाइसेक्ट तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, बस वो बोल रहे हैं ना। अब वो कौन सी साइड से पूछना है वो तो हमें पता नहीं, प्रूफ देखते हैं। चलो लेट्स सी, सो वी हैव दीस टू ट्रायंगल्स, अगर सिमिलर दे रखे ऑलरेडी तो हमें से पता है कि ये अगर ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, दिस इंप्लाइज angle A is equals to angle E, comma angle C equal to angle G, comma angle B equal to angle, sorry angle A equal to angle E नहीं लिखना था, मतलब F लिखना था। ध्यान से देखो ट्रायंगल के नाम के अकॉर्डिंग आप इक्वल करोगे एंगल्स। सो यहाँ पे A के साथ कौन सा कोरिस्पॉन्डिंग है, F। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल A और एंगल F सेम है और एंगल बी और एंगल ई सेम है। ठीक है, सो एंगल बी एंड एंगल ई सेम है और लास्टली एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। ठीक है, क्या लिखोगे आप, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। Now that we have this, हमें प्रूव करने के लिए सिंपली मैं ट्रायंगल्स देखता हूँ कौन से कंसिडर करने हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल
एडीसी एंड ट्राइंगल एफएचजी, ठीक है? सो इन ट्राइंगल एडीसी एंड एफईजी, हाँ एफईजी, इन ट्राइंगल एडीसी एंड एफएचजी, ध्यान से देखो, लिखने का टाइम मैं देख लूं दे दूंगा, पहले समझ लो वरना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें हमने अभी अभी देखा कि एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, ठीक है? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ कॉमा, इसके अलावा वी हैव एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, ठीक है? दोनों में हाफ हाफ कर देते हैं मल्टीप्लाई, हाफ एंगल जी, मान लो इसने बाइसेक कराया तो इन दोनों को हम एक्स एक्स बुला लेते हैं, इन दोनों को हम वाई वाई बुला लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है? रीजन बीइंग सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड जी रिस्पेक्टिवली, तो हमें दो एंगल्स इक्वल मिल गए ट्रायंगल में, सो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ए के कोरिस्पोंडिंग कौन सा होना चाहिए, एफ बी के कोरिस्पोंडिंग कौन सा होना चाहिए, एच एंड देन सी के कोरिस्पोंडिंग जी, सो दिस इज बाय डबल ए सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी मिल गई, इससे हम क्या कह सकते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनेट है, साइड्स प्रोपोर्शनेट है मतलब हमें कौन सी साइड चाहिए थी, सी डी, तो सी डी, सी डी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एच जी, सी डी अपॉन एच जी इज इक्वल्स टू दूसरी साइड क्या चाहिए हमें, ए सी, सो ए सी के साथ क्या आएगा, एफ जी, ए सी अपॉन जी, और रीजन बीइंग कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, ठीक है? बस पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट नोट करोगे, जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करे एग्जैक्टली सिमिलरली आप इन दोनों ट्रायंगल्स को भी सेम स्टेप्स करके प्रूव कर सकते हो, जो कि सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेना। हमने हाफ क्यों करा है, हाफ इसलिए करा है बिकॉज हमें पता है कि ये पूरे एंगल्स इक्वल है, सिमिलरिटी से हमें पता है ये पूरे एंगल सी और जी इक्वल है, लेकिन हमें अपने ट्रायंगल में कौन सा चाहिए, इसका आधा ही एंगल है हमारे पास, तो एंगल बाइसेक्टर की यूज करके हमने हाफ बोला है इसका, इससे हम हाफ एंगल भी यूज कर, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में बोला गया है ही इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, ओके, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, तो गिवन है हमें, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड ऑल्सो हमें गिवन है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, लेट्स सी, ए बी डी इज दिस ट्रायंगल एंड ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल, इसमें सबसे पहली चीज हाँ एंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन क्या है इसका, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स साइड्स आर इक्वल, आगे अब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमें मिल चुका है, सो दिस मीन्स इसके बाद अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई एफ सी जो हमें सिमिलर प्रूफ करना है, इसमें वी नो दैट एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या रीजन क्या है,
जो दे रखा है हमें, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। इसके अलावा अभी अभी हमने प्रूव करा कि एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी। ठीक है, सो अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल एंगल सी देखते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम वन। तो हमारे पास दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई एफ सी आर सिमिलर बाय व्हाट, डबल ए सिमिलर। ओके, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बिकॉज ये एक प्रूफ है जो आपको बहुत काम आएगा। ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड टी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दे रखा है हमें, दिस इज गिवन to prove triangle ABC similar to triangle PQR। शिवांश की दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी क्योंकि ये डबल ए से हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनेट है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए डी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है ना, लेकिन 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 अभी लिखते हैं इस दोबारा, ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, गिवन। इसमें ऊपर लिख दो इन ट्राइंगल, प्रूफ कर रहे हैं यहां से, प्रूफ में इन ट्राइंगल यहाँ पे लिख दो, इन ट्राइंगल ए बी डी, छोटे वाले ट्राइंगल्स ए बी डी एंड पी एम क्यू आर QM। अच्छा, पहली चीज हमें ये दे रखी है, अब ध्यान से देखते हैं, इसमें हमें ये दोनों साइड से प्रोपोर्शनेट दे रखे हैं, लेकिन थर्ड साइड प्रोपोर्शनेट नहीं दी है, थर्ड बड़ी वाली साइड प्रोपोर्शनेट दी, लेकिन एक और चीज पता है हमें, ये क्या है, मीडियंस है। तो अगर मैं ऊपर नीचे BC में क्या करूं, एड हाफ ऑफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी सी बाई टू होल डिवाइडेड बाई क्यू आर बाय टू। क्या हमने मल्टीप्लाई इसलिए करा है कि हम उसे सिंप्लीफाई कर पाए, कट जाएगा इसलिए तो कर सकते हो, बेसिकली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना अलाउड है, सेम रहेगी। तो बी सी अपॉन टू क्यू आर अपॉन टू, बी सी अपॉन टू क्या बन जाएगा पी डी एंड क्यू आर अपॉन टू क्या बन जाएगा क्यू एम। रीजन दिखना बहुत जरूरी है, पी डी, ठीक है, हाफ ऑफ बी सी is equals to BD, क्योंकि AD is median and then half of QR is equals to QM, क्योंकि PM is median, median की वजह से ये दोनों equal है, जिससे हम half use कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या तीनों साइड proportionate मिल गई, इसका मतलब this implies triangle ABD is similar to triangle PQM, correct? By what similarity? SSS similarity. Kushyavansh? Tino sides, ye tino sides, AB upon PQ is equals to AD upon PM is equals to BD upon QM. Okay? Theek hai? Ab kya karenge? Isse hum keh sakte hai, angle B is equals to angle Q by CPST, corresponding parts of similar triangle. अब हमें angle B equal to Q मिल गया, और हमें एक और बात पता है, इसको mark कर लेते हैं one. So अब देखते हैं in triangle ABC and triangle PQR. एक चीज हमें already given है, क्या AB upon PQ is equals to BC upon QR. ये given है हमें, देखो, so this is given.
ये दोनों साइड्स क्या है, अब हम बड़े ट्रायंगल्स को देख रहे हैं, तो ये दोनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनेट, एंड इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, वन से हम बोल सकते हैं क्या है, इक्वल है। सो ये अब ट्रायंगल किस सिमिलरिटी है सिमिलर हो गए, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो इसमें बेसिकली हमें दो बार सिमिलैरिटी यूज करनी पड़ी एंड दोनों में से कोई भी डबल ए नहीं, वी आर हैप्पी कि और सिमिलैरिटीज भी काम आए। चलो लिख लो, साइड्स क्या बोला, ओके दैट इज समथिंग आई डोंट हैव, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दो बार कॉपी कर रहे हैं, सेम है ना, ये सेम क्वेश्चन 13 नहीं करा, ये दोबारा आ गया, एक सेकंड। D is a point on side BC of triangle such that ADC equal to BAC. तो एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ट्रायंगल ए बी सी, D is the point on BC. D यहाँ पे पॉइंट है, such that angle DAC is equals to angle BAD. अच्छा ADC इज इक्वल्स टू, सॉरी ADC इज इक्वल्स टू BAC, ये दोनों एंगल्स इक्वल, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CA ये दोनों एंगल्स इक्वल, सो वी हैव CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इनटू CD। ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये टू प्रूव है हमारा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं कैसे, ये देखो CA डिवाइडेड बाय CB, एक CA यहाँ रखते हैं नीचे CB ले आते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बच गया CD, एंड एक CA को नीचे ले आते हैं, तो अब ये प्रोपोर्शनेट के फॉर्म में आ रहा है जो कि हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके कर सकते हैं, तो बस इसमें इस स्टेप से इस स्टेप पे आना है, फिर हमारा क्वेश्चन अपने आप होने लगेगा। चलो ए, ये देखो CA, इसको हम लिख सकते हैं CA स्क्वायर को हम लिख सकते हैं CA इंटू CA, एंड यहाँ पे क्या है CB इंटू CD, CB को नीचे ले आए CA को नीचे ले आए, तो CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू CD अपॉन CA। ओके नाउ लेट्स राइट, गिवन गिवन इज एंगल ADC is equals to angle BAC। चलो करते हैं, सो इन ट्रायंगल प्रूफ देखते हैं, प्रूफ लिख तो दिया, प्रूफ इन ट्रायंगल ए टी सी, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए टी सी एंड ट्रायंगल ADC के साथ हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BAC बड़ा वाला ट्रायंगल। अच्छा इसमें हमें सबसे पहली चीज गिवन है एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें पता है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C गिवन है, एंड ये एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, ये दोनों एंगल सी दोनों जगह कॉमन है ना, सो अगर दो एंगल्स हमें मिल गए तो हम कह सकते हैं हाँ सी और सी कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में ना, ये इस ट्रायंगल में भी है एंड बड़े ट्रायंगल में भी है एंगल सी, तो सो दिस मींस ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बहुत ध्यान से देखना कौन सा सिमिलर है, पहले सी को पहले लिख लेते हैं जिससे हमारी सिमिलरिटी में, ट्रायंगल सी सी साथ में लिख लिया, दूसरा एंगल क्या है डी और ए इक्वल है, सो डी और ए लिख लिया, बच क्या गया बड़े ट्रायंगल में ए एंड छोटे ट्रायंगल में, सॉरी ए बी सी, ए बी इस बड़े ट्रायंगल में बी बचा है, सो वी हैव सी और सी तो इक्वल है, यहाँ पे बड़े ट्रायंगल छोटे बड़े ट्रायंगल में कौन सा एंगल है एंगल ए,
एंड छोटे ट्रायंगल में इसका इक्विवेलेंट क्या है, एंगल डी। बड़े ट्रायंगल में बच क्या गया, बी। छोटे ट्रायंगल में बच क्या गया, डी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों सिमिलर है, दिस इंप्लाइज, अब देखो सी ए यहां से ढूंढते हैं। अब ये चीज करने की आदत डाल लेना, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सी ए बी सिमिलर किसके है, सी डी ए के। ये हमने कर लिया है, यहाँ तक पहुंच गया सब। अच्छा, अब हमें साइड क्या चाहिए, सी ए। तो यहाँ से सी ए लेते हैं। अगर यहाँ से सी ए लेंगे, मतलब हमने फर्स्ट टू लिया, तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे, सी डी। ठीक है, तो सी ए और सी डी यहाँ से ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और सी ए है, इसमें सी ए कहाँ है, यहाँ देखो इसमें सी ए फर्स्ट और थर्ड पे है, तो सी ए लिख देते हैं आप। एंड इसमें सी ए की जगह क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड, सी बी। करेक्ट। सो अगर हम डिवाइड कर दे, सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी, है ना, बाय रीजन क्या लिखोगे, सी पी एस टी, corresponding parts of similar triangle. This implies cross multiply कर देते हैं, क्या? और congruent triangles होता है। तो CB into CD is equals to CA square cross multiply करने के बाद, तो hence proof. क्या? 13th. This is how you do this. ये आजम करने वाला पार्ट है ना। देखो जल्दी से, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, वी हैव अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट 28 meter long shadow. कुछ लिखा ही नहीं नंबर, तो है वो तो करा दो, ए बी सी पी क्यू आर। 6 meter की जो हमारी पोल है वो किस लेंथ की शैडो फॉर्म करती है, 4 मीटर। ठीक है, सो अगर हमारी शैडो सेम टाइम पे 28 मीटर की हुई, तो हमारी पी क्यू की लेंथ क्या होगी। सबसे पहले समझते हैं, अगर सेम टाइम पे है तो इन दोनों के जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, मतलब हमेशा मान ले सन यहाँ पे है, यहाँ खड़ा है तेरा दोस्त, यहाँ खड़ा है, दोनों पे शैडोज किस एंगल पे आएंगी, सेम एंगल पे आएंगी, कि दोनों सेम टाइम पे है तो एक टाइम पे एंगल सेम होता है। ठीक है, द रीजन ऑफ फॉर्मेशन लाइक सनडायल पता तुम्हें, वो कैसे फॉर्म होता है, इसी वजह से कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे, इससे वो डिफरेंट टाइम दिखा पाया। ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं उसे, जंतर मंतर, सनडायल है वो, वहाँ अलग बात है, अब ज्यादा स्ट्राइक्स होती है टाइम देखने की जगह, बट एनीवेज दैट इज अ सनडायल। सो इसमें हमें पता है ये एंगल दोनों सेम होंगे। ठीक है, एंड हमें पता है ये क्या है, दोनों 90 है। 90 क्यों है, बिकॉज पोल परपेंडिकुलरली खड़ा होगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी, ए बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे आप लिख दो सेम angles, elevation लिखाऊंगा तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट हाँ बोल सकते हो elevation at same time, time की वजह से same angle of elevation है। So we say ये दोनों angles अगर equal है, this implies triangle ABC is similar to triangle PQR by double A similarity, which in turn implies AB upon PQ is equals to BC upon QR. AB की value 6,
PQ की वैल्यू x, BC की वैल्यू 4, QR की वैल्यू 28। सॉल्व कर देते हैं, 4147 क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 7642 मीटर्स। हेंस लेंथ ऑफ टाउ इज 28। थोड़ी करता, फाइंड करता, प्रूफ क्यों करना है इसमें, फाइंड करना था ना प्रूफ। हाँ वो करना जरूरी है, तभी मास्क।